आपके प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी सेगमेंट है, विविध सेगमेंट। अब इससे जुड़े हुए सवालों को यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि मई 2020 में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी राशि की सहायता प्रदान की है। तो इसका उत्तर होगा $2 बिलियन। जी हाँ, भारत ने $2 बिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए उपलब्ध करवाया है। मई 2020 में किस रेलवे स्टेशन द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया गया है। तो रेल बोट नामक ये इस रेलवे रोबोट को जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। और अगला है कि 5 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लॉकडाउन की स्थिति में अपना जीवन यापन सक्षम बनाने हेतु प्रोचेष्टा योजना शुरू की है। तो प्रोचेष्टा योजना शुरू करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। मई 2020 में चर्चित इवेंट बोट क्या है? तो इवेंट बोट एक बैंकिंग वायरस है। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो है वह पूरी तरीके से उसको जो है सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर बनाया जाएगा। पहला भारतीय राज्य कौन है जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस सुरक्षा बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। और अगला है कि अप्रैल 2020 में किस राज्य सरकार ने एक वर्ष तक के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा पहल करने वाला स्टेट है हरियाणा। अप्रैल 2020 में कौन सा राज्य आभासी अदालतों को सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और अगला है कि 21 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के बीच करोड़ों भारतीयों के बीच संवाद का सीधा चैनल स्थापित करने हेतु कौन सा संवादात्मक प्लेटफार्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफार्म का नाम है कोविड इंडिया सेवा प्लेटफार्म। और 10वां सवाल है कि अप्रैल 2020 में किस मोटर कंपनी ने वेंटिलेटर के उत्पादन हेतु फ्रांसीसी कंपनी एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम के साथ साझेदारी की है? तो इसका नाम है हुंडई मोटर्स इंडिया। और कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका भी आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका उत्तर होगा राजेश भूषण। 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय और अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस कार्यदल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं सचिव तथा आर्थिक कार्य विभाग के जो सचिव हैं वही जो है इस कार्यदल के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट है कि 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के जो है सीईओ भी हैं। फरवरी 2020 में केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देशों की जाँच एवं सिफारिश हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका उत्तर होगा एनसी सक्सेना। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान। और सवाल नंबर नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी। वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर के विजय राघवन। 17 फरवरी 2020 को निम्न में से किसने आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजय पुरी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो 15वीं वित्त आयोग ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। 18 नवंबर 2019 को किसकी अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी? तो उसका उत्तर होगा एनजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट है कि 29 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने हेतु किसकी अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है? उसका उत्तर होगा कैबिनेट सचिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 15 मई 2020 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं एवं बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ है $145 मिलियन को लेकर के। एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर 3 संस्थाएँ शामिल हैं, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और AIIB शामिल है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल है, यानी कि AIIB शामिल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ADB शामिल नहीं है। एक होता है ADB,
एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और एक होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एडीबी शामिल नहीं है, एआईआईबी शामिल है। नेक्स्ट है कि 2020 में हैदराबाद विश्वविद्यालय और सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कोविड 19 महामारी के लिए तत्काल उपचार हेतु एंटीबॉडी आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो इसका उत्तर होगा विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड मई 2020 में जिस कंपनी ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल यानी कि भारतीय तीनों सेनाओं को लेकर के 37 एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के हेतु चरण द्वितीय के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो उसका उत्तर होगा टाटा पावर्स SED यानी कि टाटा पावर्स SED कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए के लागत को लेकर के जिस पर रक्षा मंत्रालय की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है उसमें जो है भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए द्वितीय चरण की शुरुआत किया है। 8 मई 2020 को ट्राइफेड ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन वितरण किट उपलब्ध कराने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उत्तर होगा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। और नेक्स्ट है कि 28 अप्रैल 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, देखिए अब यहाँ पर आ गया है ADB है ना, अभी वहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले AIIB के बारे में पढ़ा था, ने नोवेल कोरोना वायरस रोग COVID-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के उद्देश्य से कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर होगा $1.5 बिलियन $1.5 बिलियन। और नेक्स्ट है कि 27 जनवरी 2020 को हुए ऐतिहासिक बोडो समझौते के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार विशेष विकास पैकेज द्वारा असम में बोडो क्षेत्रों के विकास हेतु कितनी राशि की विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। तो 1500 करोड़ रुपए की विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 27 जनवरी 2020 को हुए बोडो समझौते के तहत सरकार बोडो आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को कितना मुआवजा प्रदान करेगी, तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा प्रदान करेगी। और वहीं पर अगला है कि 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो उसका उत्तर होगा तेल एवं प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत, पापुआ न्यू गिनी और किस देश के निर्वाचन आयोग के बीच समझौते को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूनेशिया, यानी कि ट्यूनेशिया भारत और प्लस पापुआ न्यू गिनी, इनको लेकर के निर्वाचन आयोग के बीच में जो है जो आपसी समझौता होता है, जो सहयोग होता है, उस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। 15 जनवरी 2020 को भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका उत्तर होगा फिनलैंड। और वहीं पर नेक्स्ट है कि 14 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र के सभी 585 स्टेशनों को डोर स्टेप बैंकिंग उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण मध्य क्षेत्र और किस बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कि 18 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान ने अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों के लिए अपना पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु रेल भवन नई दिल्ली में किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्मिंघम विश्वविद्यालय। और इसी वीडियो के साथ में प्रैक्टिस सेट का पूरा जो है प्रश्नोत्तर था वो पूरा का पूरा 277 प्रश्नों को इसमें कवर कर दिया गया है। ये समाप्त होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे State PSC का एग्ज़ाम हो, चाहे BO का एग्ज़ाम है। तो सबके लिए